हमने जो लिया है विद्युत शक्ति वितरण में आज जो टॉपिक लिया है वो आपका है, अभी इसके पहले हमने आपको सब स्टेशन के बारे में बताया, स्विच गियर के बारे में बताया, स्विच गियर के बारे में बताया आपको कि जो हमारे विद्युत उप सब स्टेशन केंद्र होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े आपके सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर उपयोग होते हैं। वह स्विच गियर में क्या होता है कि इन ट्रांसफार्मर में हम करंट फ्लो करने यानी कि बंद करने और चालू करने के लिए जो माध्यम का एक उपयोग करते हैं उसे स्विच गियर कहा जाता है। स्विच गियर में कोई एक उपकरण का नाम नहीं है, इसमें कई चीजें मिला करके स्विच गियर आपकी पूरी व्यवस्थित बनाई जाती है। जैसे आपका ICTP यानी कि आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच आपका हो गया, MCB हो गया, ACB हो गया, OCB हो गया, आपका जो है ABCB हो गया, ये सभी चीजें उसमें मिला करके आइसोलेटर हो गया, ये सब चीजें रिले हो गया, ये सब चीजें आपका उपयोग करके स्विच गियर बनाया जाता है। यानी किसी परिपथ को सुरक्षित करने और ऑन ऑफ करने के लिए एक माध्यम जो बनाया गया उसे आपका स्विच गियर कहलाता है। अब इसमें जब कई बातें आई तो इसमें एक बात आता है कि सर्किट ब्रेकर की बात आती है, यानी एक जो आपका सर्किट है परिपथ है उसे जो है विसंयोजित कर देना है, यानी कि जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसके करंट को आपको क्या कर देना है, रोक देना है। तो सर्किट ब्रेकर यानी सर्किट को ब्रेक करना यानी रोकना, यानी जहां से करंट आपका फ्लो हो रहा है वहां से आपका धारा को रोका जा सके। ऐसा होता कैसे है, क्यों होता है कि कई क्षेत्रों में क्या होता है, कहीं मेंटेनेंस का कार्य चल रहा हो या कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आ जाती हो, तो ऐसे समय में हम आपका जो प्रोडक्शन होता है आपका स्विच गियर क्षेत्र होता है वहीं से हम कंट्रोलिंग करते हैं और वहां से आपके जो सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं उससे हम अपने परिपथ को ऑन और ऑफ आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी चीजें अलग आप जानेंगे कि जैसे हम स्विच सर्किट ब्रेकर क्या हो गया, कि सब स्टेशन पर लगे हुए एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा यंत्र व्यवस्था जो किसी परिपथ को विसंयोजित करने या संयोजित करने के लिए जो बनाया जाता है वो सर्किट ब्रेकर कहलाता है। सर्किट ब्रेकर में आप जानते होंगे कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर हैं आपके, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है सर्किट ब्रेकर में ACB, BOCB, आपका ABCB, MCB, ELCB, ऐसे आपके ब्रेकर होते हैं सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के। इसमें कई बार आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ACB का फुल फॉर्म क्या है, यानी ये आपका एयर सर्किट ब्रेकर, OCB क्या है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ABCB क्या है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ABCB मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये ऐसे कुछ आपके ब्रेकर होते हैं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन आपके ITI में जो लगभग दिया गया है ऐसे ही ये चार पांच आपके दिए हुए हैं, इसका जरूरी है आपको जानना। आप देख रहे होंगे कि ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर यानी जो हवा उसके माध्यम से उसमें उजाला का प्रयोग करके एयर सर्किट यानी कि जो उसमें आर्क उत्पन्न हो रहा किसी वैद्युत क्षेत्र में उसमें जब हम किसी परिपथ को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि हमारे उस परिपथ में जब हम तारों का संयोजन होता है, मान लीजिए यहां से करंट फ्लो हो रहा है और आपने अचानक इसको ब्रेक करने का प्रयास किया तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो जंप करने का प्रयास करता है, जब जंप करता है तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है, एक आर्क उत्पन्न हो जाता है। तो इसको कम कर दिया यानी आर्क यदि ज्यादा हो गया, ब्लास्ट हो गया, ज्यादा होगा तो समस्याएं होंगी और जिस पदार्थ का ये बना हुआ, जिस धातु का ये मटेरियल आपका बना हुआ वो भी जल्दी गल जाएगा, खराब हो जाएगा। इस नाते हम क्या करते हैं, ब्रेकर का उपयोग करते हैं कि उस पर किसी प्रकार का प्रभाव भी ना हो और आपका बेहतर तरीके से बना भी रहे। तो हम बात करते हैं जैसे ये आप तो समझ गए होंगे क्यों ऐसा किया था। अब एग्जांपल आपको दूं यदि तो आप देखे होंगे कि घर पर 6 एम्पीयर की स्विच होती है या आपका 16 एम्पीयर पावर के लिए जो उपयोग करते हैं हम स्विच को, यदि वो लोड के साथ जुड़ा होता है, मान लीजिए हीटर के साथ जुड़ा हुआ है वो, तो जब हम उसको ऑफ करते हैं तो उसमें एक आर्क उत्पन्न होता है, आर्क मतलब चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उसको यदि हम इन छोटे माध्यम पर देखें यानी कि हम जहां पर 7-8 एम्पीयर की ओर ले जा रहे हैं वहां पर इस प्रकार का आर्क उत्पन्न हो रहा है, चिंगारी उत्पन्न हो रही है, तो जहां हमारे सब स्टेशन है जहां पर काफी लोग उपभोक्ता जुड़े हुए हैं वहां पर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ऐसे दशा में क्या होगा, वहां पर लगभग 150, 200, 1000, 2000 एम्पीयर वहां से प्रवाहित होते हैं, करंट फ्लो होता है, ऐसे दशा में ज्यादा समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं। इस नाते क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर उपयोग करते हैं। और उसमें क्या होता है कि ACB आपका हो गया यानी एयर सर्किट, एयर हवा का उपयोग करके हम उसके ब्रेकर उपयोग कर रहे हैं, OCB यानी ऑयल का, ऑयल सर्किट ब्रेकर यानी उसमें जो है ऑयल डाल करके उपयोग कर रहे हैं, फिर ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी आपका एयर के माध्यम से यहां पर भी है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है यहां पर, MCB
आपका मिनिएचर सर्किट में यदि ओवरलोड होने पर ये ज्यादातर 60 एम्पीयर तक उपयोग में लाया जाता है। एमसीबी ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज, यानी कहीं पर अर्थ लीकेज हो रहा ऐसे दशा में ईएलसीबी उपयोग होता है। तो ये तो सिंपल बात थी। अब बात आती है कि जैसे उसमें आर्क ज्यादा उत्पन्न हो रहा है उसको कम करने का तरीका क्या है। तो आर्क कम करने का तरीका यह है कि उच्च प्रतिरोध विधि, यानी उच्च प्रतिरोध आपका यदि उसके बीच में जो आपके आर्क उत्पन्न हो रहे हैं उसमें प्रतिरोध ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा कि आर्क कम आपका हो पाएगा। आयनीकृत कणों को कम करके जो आपका आसपास उसके आयन बने हुए हैं, जो आपके आयन उसके आयनीकृत हैं यानी कि आपके वास्तविक हैं ऐसे हैं, तो उनको क्या करेंगे उन कणों को कम कर दिया जाए, यानी कि वहां पर ऐसे क्षेत्र ना बने जिससे आपका इस प्रकार के आर्क में और अधिकता फैलाएं यानी कि बढ़ोतरी कर दें। और दूसरी बात है आर्क की लंबाई बढ़ाकर, यानी कि जब हम इसके बीच में हम एक एग्जांपल आर्क की लंबाई कैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों सिस्टम आपके लगे हुए थे, इनके बीच में यदि लंबाई ज्यादा होगी तो आर्क कम उत्पन्न होगा। यानी हम जैसे इसको टच करने का प्रयास करते हैं करंट इधर आगे फ्लो हो रहा है तो हम क्या करते हैं इसके बीच में लंबाई आपको बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आपका क्षेत्र बढ़ जाएगा तो आर्क कम पड़ेगा यानी चिनगारी कम उत्पन्न होगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा करके, यानी कि जो इसका एरिया है यदि कम से कम रखा जाएगा तो क्या होगा कि आपका एरिया कम होगा तो आपका क्या होगा क्षेत्रफल कम रहेगा तब भी आपका आर्क कम होगा उत्पन्न होगा। या इसका क्या करते हैं कि जो वहां पर आर्क जो बन रहा है यानी चिनगारी जो उत्पन्न हो रही है फ्लो हो रहा है उसको बिखेर दिया जाए फैला दिया जाए, तो फैला दिया जाएगा तो उससे इस मटेरियल पर कोई इफेक्ट जल्दी नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे कुछ आपके विधि हैं जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं यानी आर्क कम करने के तरीके। ये उच्च प्रतिरोध विधि आयनीकृत कण के द्वारा कम करके, आर्क की लंबाई को बढ़ा करके यानी कि दूरी बढ़ा करके, और इनका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए एरिया बढ़ा दिया जाए तब भी आपका हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये आर्क जो है इसको फैला दिया जाए यानी कि जो चिंगारी आपकी उत्पन्न हो रही है उसको भी फैला दिया जाए। फिर आपका होता है दूसरा कि निम्न प्रतिरोध विधि, निम्न प्रतिरोध विधि ज्यादातर उपयोग होता है एसी वाले क्षेत्रों में, यह आपका होता है ये डीसी में भी उपयोग कर सकते हैं इनका, लेकिन जब निम्न प्रतिरोध की बात आती है जहां पर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू कम है वहां पर सिर्फ एसी में ही उपयोग होता है और डीसी में उपयोग नहीं हो पाता। अब मैं आपको बताऊंगा एसीबी के बारे में छोटा सा बात, एयर सर्किट ब्रेकर की बात करता हूँ। एयर सर्किट ब्रेकर एक ऐसा चैम्बर बना दिया जाता है ऐसे, और इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एयर बना होता है। हाँ देखिए यहाँ पर सप्लाई दे दी गई, ये आप देख रहे हैं यहाँ से सप्लाई दे दी गई और ये सिंगल फेज की लाइट है, यानी कि ये आपका बनाया जाता है एयर सर्किट ब्रेकर वो होता है आपका डबल पोल का या आपका ट्रिपल पोल का भी होता है, यानी आप डबल सिंगल फेज भी ले जा सकते हैं और ट्रिपल पोल का यानी कि आप जो है तीन फेज भी यहाँ से ले जा सकते हैं। ये जो एसीबी होता है ये आपका 600 वोल्ट आपका काम करता है और 160 एम्पीयर तक ये कार्य करने में सक्षम होता है। 160 एम्पीयर भी आपको कहीं पर करंट फ्लो करना है तो आपको वहां पर एसीबी का ही उपयोग करना है, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब कैसे होता है इसकी वर्किंग कंडीशन कैसे है, देखिए यहाँ पर सप्लाई दी गई तो यहाँ पर ट्रिप आपका क्वायल एक लगा दिया गया है, एक क्या लगा दिया गया है ट्रिप क्वायल, यहाँ पर क्वायल है और इसके साथ में एक हैंडल जुड़ा, एक इसका मैग्नेटिक एरिया के लिए इसमें एक चुंबकित करने के लिए से ये आपका क्वायल है एक ये, और ये क्वायल क्या होगा कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी तो ये वहां पर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो यहाँ पर आयरन कोर यहाँ पर लगा है ऑलरेडी, ये भी चुंबक बन जाएगा। अब इसके साथ में यहाँ पर ये जुड़ा हुआ पॉइंट है ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो ये जो सप्लाई इधर से जा रही थी तो यहाँ से आते हुए ये आपका ये पूर्ण हो रहा था, इसके साथ में ये आपकी सप्लाई पहुंच गई। अब यहाँ जैसे ही कनेक्ट हुआ तैसे क्या हुआ कि इसके साथ में जैसे कनेक्ट हुआ तो ये इसके साथ में टच हो गया। अब ये टच हुआ तो क्या हुआ कि इसके साथ में करंट फ्लो होकर के ये आपका प्रवाहित होके इसमें आपका परिपथ चालू हो गया। तो ये ऐसे चीजें होती हैं, और यदि इसमें आगे परिपथ में जब गया आगे बढ़ाया गया इसमें तो ये चैम्बर होता है आपका आर्क आपका आप ये क्विंचिंग चैम्बर है, यानी कि ये जहां पर जो आर्क उत्पन्न हो रहा है चिंगारी जो उत्पन्न हो रही है इसको शांत करने के लिए ही करता है ये आपका आर्क शांत चैम्बर, यानी कि ये जो आपका बनाया गया आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब चिंगारी उत्पन्न होगी इसके कॉन्टेक्ट में जुड़ करके तो इसमें क्या होगा कि चिंगारी इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा तो इसमें वायु जो ऑलरेडी भरा होता है वो एस्बेस्टस आपका है जो कि कुचालक होता है विद्युत का, वो क्या करता है कि इसमें चिंगारी इस पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता
और जो इसके साथ में इसके अंदर हमें आपका सर्किट के साथ जुड़ा होता है वो आगे परिपथ में हम सप्लाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो रही सिंपल सी बात एसीबी की, तो ये जानना जरूरी है। यदि ओबीसी की आपका ओसीबी की बात करें यानी आयल सर्किट ब्रेकर की बात करें तो ये 11 केवी लाइनों में उपयोग किया, 11000 वोल्ट की लाइनों में उपयोग किया जाता है और इससे जो है 1200 एम्पियर यानी हमने यहाँ पर दिखाया 11 केवी आपकी लाइन में प्रयोग और 1200 एम्पियर इससे करंट को फ्लो कर सकते हैं। एमसीबी जो होता है एसीबी और एबीसीबी जो होता है लगभग एक ही कार्य करते हैं लेकिन यहाँ पर करंट जो होता है वो भी 11000 वोल्ट तक के उपयोग में लाए जाते हैं। एमसीबी जो होता है वो आपका 440 के लिए और जहां पर करंट हमारा 60 एम्पियर फ्लो हो रहा हो वहां पर एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ओवरलोड स्थिति में भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये शॉर्ट सर्किट होने की दशा में भी आपका क्या होता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जो ईएलसीबी होता है यानी शॉर्ट लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है ये क्या करता है, ये अधिक करंट के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें एमसीबी में यदि अर्थ कहीं पर हो गया, किसी मशीन में अर्थ हो गया तो उसमें क्या होता है कि वो एमसीबी नहीं बचा पाएगा। यानी एमसीबी में इस 60 एम्पियर जा रहा है, आपका 60.2 एम्पियर चला गया कहीं से करंट फ्लो होकर के अर्थ हो गया तो वो उसको कुछ करेगा नहीं, वो जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ईएलसीबी क्या हो जाएगा, ये दो आपका 0.2 एम्पियर जो आपका यहाँ पर करंट अलग हो जा रहा था यानी किसी मशीन से किसी उपकरण से आपका क्या हो जा रहा था, ये आपका मान लीजिए यहाँ से अर्थ हो जा रहा था तो जैसे ही ये अर्थ होगा तो यहाँ पर आपकी ईएलसीबी लगा दी जाती है यानी किसी भी उपकरण में अब इसकी बाइंडिंग या किसी कारणवश डैमेज हुआ है तो आपका ईएलसीबी आपका ट्रिक होगा। और ये होता है कि यदि मान लीजिए 60 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है तो 60 का 1/7 भाग यानी सवें भाग के बराबर 0.06 एम्पीयर भी यदि इसमें से करंट कम हो गया आपका यहाँ पर हो गया तो ईएलसीबी के कारण क्या हो जाएगा, पता लग जाता है कि इसमें आपका बॉडी जो इसकी मशीन की बॉडी है वो अर्थ हो गई है कहीं पर यानी अब डैमेज होने की कंडीशन में है, उसका इंसुलेशन खराब हो रहा है। इस नाते हम क्या करते हैं उसकी चेकिंग करते हैं और जहां पर इस प्रकार की समस्या होती है उसकी जांच करके फिर समस्या को दूर किया जाए। तो ये सब आपके सुरक्षा उपकरण है और ये सभी आपके स्विच गियर में लगते हैं। तो ये तो रहा सर्किट ब्रेकर का और आप आगे भी हम आपको अलग क्लास में बताएंगे। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आपको आती है तो आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है।